इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। और ये बाबा से शिक्षा लीजिए, सब डिस्टर्ब हैं, हमारे बाबा एकदम आनंद में है। वो माई ने आरती की ही नहीं, दूसरे माई को थाली देकर रोने लगी मैया को लेकर, ब्रह्मा जी से पूछने लगी कसकीन बरु बहु राह विधि जही तुम ही सुंदरता दई। बुरा न मानिएगा, कथा में बांचना सरल है, करना सरल नहीं है। ये उत्पात का अवसर नहीं है, मौन का अवसर है। किसी माई ने पूछा दूल्हा किसने बताया, मैना मैया बोली नारद जी ने बताया। नारद जी को जैसा होना चाहिए हो ही तो गया, शुरू किया माई ने गरियाना। नारद कर मैं का बिगारा भवान मोर जिनब का मैंने क्या बिगाड़ा था, बसा बसाया घर हमारा उजाड़ दिया। अस उपदेश बावले बर के लिए मेरी बेटी ने तप किया। बावला मैंने बकलोल, बकलोल माने बौराहा। ये अवधि है, भोजपुरी है, और ये कौनो भाषा बोली में न मिली, ये अपन शब्दावली है। और बढ़िया कहे तो उज्जबक, बौरा है। नारद जी के कहने पर देखिए, विवाह किसी के कहने पर नहीं होता, ये सब कहना भी नहीं चाहिए। वो ना कराए होते तो कुछ और होता, कुछ ना होता। वो आने के पहले ये सब निश्चित है,
हमारे आपकी हस्तरेखाओं में, माताओं के वाम हस्त में, पुरुष के दाहिने हस्त में जन्म से लेकर मरण तक की सारी लीला लिखी पड़ी है। जो कर्म करता जाएगा सदकर्म, वो बढ़ता सुंदर सुंदर होता जाएगा। कर्म से भाग्य बदलते, कर्म प्रधान विश्व करी। बेटियां, बहुएं, माताएं, सभी सनातन धर्मी मनमुखी व्रत न करें। कोई मंगल रह रहा है, कोई शनिचर रह रहा है, कोई बुधे रह रहा है, कोई सोमारे रह रहा है, काहे ऐसा में मतलब। अरे बिना मतलब का व्रत न रहिए, कुछ मतलब निकालिए। क्यों व्रत रहना, उसके पीछे कारण होना चाहिए। हम ये रहेंगे, अकारण तो कुछ करना ही नहीं चाहिए। पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, विवेकी हैं, सत्संगी हैं, चालू कर। सकारण नारद जी को मैया सुनाने लगी। माँ भवानी जी ने एक ही प्रश्न किया, माई तुम ते मिटे कि विधि के अंका, तो फिर माँ तो माँ मेरे भाग में सुख लिखा होगा, सुख दुख लिखा होगा, दुख जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। जनि ले हो मात कलंक करुणा परिहरहु अवसर। नारद जी ने कहा था ना, जो विध लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि कोउन मेटनी हार। दोष नहीं लगाई, समझ गई माई। इतने में नारद जी सप्तऋषि आदि महापुरुषों के संग में अंदर प्रवेश किए और मैना हिमांचल राज को माँ भगवती के सत्य स्वरूप का परिचय करा। देवी मैना, आपकी बेटी जगदम्बा है, भवानी है, अजा अजन्मा है, अनाद, इनका आदि अंत पता नहीं, शक्ति स्वरूपा है, अविनाशिनी है, और अभी नहीं सदा सर्वदा शिव के मामांग निवासिनी है, अर्थात शिव प्रिया है। शिव प्रिय मेकल शैल सुतास, जीवन मुक्त हेतु जनुकासी, ये राम कथा है। जग को जन्माती है, भव भव विभव पराभव कारिन, विश्व विमोहनी स्वबस विहार। ये दक्ष प्रजापति की पुत्री होकर सती स्वरूपा शिवप्रिया हुई, पिता के यज्ञ में दर्शन करने गई। भगवान शिव का निरादर जानकर, देखकर वहां इन्होंने योगाग्नि में बदन को प्रविष्ट करा दिया। आपके तप से, भजन के प्रभाव से आपकी पुत्री होकर आई है देवी मैना, आपकी बेटी नहीं, ये तो जग जननी है। हा हा हा। इतना सुनकर तब मैना हिमवंत वनंदे कोने कोने लगे हो नपुर मंगल सजे समही मंगल गान होने लगे हो। मंगल महोत्सव में मंगल हो, आनंद हो। देखिए, जीवन में मंगल और आनंद तभी होगा जब असत्य ना आएगा हो। झूठ अमंगल ही लेकर आता है।
सत्य मंगल स्वरूप है, सत्य आनंद स्वरूप है। यहां देखिए ना कितना सत्य का संग है, झूठा ही नहीं, अमंगल की चर्चा ही नहीं। देवता लोगों को भोजन कराया गया। गारी मधुर सुर देह सुंदर, गारी मधुर स्वर देह सुंदर, व्यंग्य वचन हो रही है और देवता लोग प्रसाद पा रहे हैं, विनोद हो रहा है। वाह 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 सिस्टम है। मैंने एक बार इस विषय में सोचा कि देवता लोगों को गारी गा गा के माताएं भोजन क्यों पवा रही हैं, जानते हैं क्यों? देवताओं के पास समय रहा होगा, आज गारी क्यों नहीं हो रही है? आज लोगों के पास समय नहीं है, देखते प्लेट टूट पड़त। समय नहीं है लोगों के पास। अरे समय सुहाव गारी भी राजा। बारात मिथिला में महीनों रुकी रही, दिन उठ विदा अवध पति मांगा। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।